हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अभी हम लोग जस्ट मेट्रो से हम लोग आगे उतर और अभी टुवर्ड्स दुबई मॉल की तरफ जा रहे हैं। दो तीन सामान है वो लेके फिर बैक टू एयरपोर्ट। मेरे राइट पे जो देख रहे हैं आप, दिस वन ये बुर्ज खलीफा और बैक साइड में ही दुबई मॉल। बैक साइड में फ्रंट भी है, इसके बैक साइड में शायद। और ऊपर का मैं दिखा भी नहीं पाऊँगा क्योंकि काफ़ी ऊंचा है। तो ये रहा दुबई मॉल सामने। बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ रहा है, वॉकिंग बहुत है। और अच्छा है कि ये है, क्या बोलते हैं इसे, फाइनली पहुंच गए 1000 किलोमीटर चलने के बाद। हाँ, तो अभी हम लोग एप्पल शोरूम जा रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं कुछ। एक एप्पल वॉच की ज़रूरत थी और मुझे एयरपॉड्स की भी, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है। अभी मैंने एप्पल वॉच ले लिया है, मैंने सिस्टर के लिए और मैं अपने लिए और मम्मी के लिए 2 एयरपॉड्स प्रो 2। तो ये काफ़ी ज़रूरी था मेरे लिए, काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, तो आज बाय कर लिया है। इनका अनबॉक्सिंग एक तो मैं अभी कर लूँगा एयरपॉड्स का, बाकी वॉच और उसका बाद में कर लूँगा। अभी चीज़ केक फैक्ट्री में आ गए हैं हम लोग। और सामने ये दुबई एक्वेरियम, पता नहीं यहाँ पे कितनी सारी मछलियाँ हैं। तो हम लोग चीज़ केक फैक्ट्री तो आ गए। आपको वैरायटी दिखाता हूँ, कितने वैरायटी का चीज़ केक है यहाँ पे। देखिए इतने सारे, तो यहाँ पे चीज़ केक है। वाओ, ख़त्म ही नहीं हो रहा। और ये चीज़ केक एंड डेजर्ट, ये चिकन और श्रिम्प, राइस एंड ये राजमा लग रहा है मिक्सर। तो अब ये खाएंगे दोनों, हो जाएगा इतने में। खट्टा मीठा चटपटा है। What are we having? So I'm trying this strawberry cheesecake from Cheesecake Factory, the famous Cheesecake Factory. How tastes it? Good. It's so good. The cheese is so yummy. Please try. Is it available like this kind of taste in Delhi? Not in Delhi. Not in Delhi. Okay. तो मैंने देखा था कहीं YouTube में किसी के ब्लॉग में ये फुट लॉकर में कुछ अच्छे कलेक्शंस हैं जूते के, देखते हैं वहाँ पे कुछ मिल जाता है तो। तो कुछ खास पसंद नहीं आया शूज़ तो। अभी और एक शोरूम है वहाँ जाके देखते हैं, अदरवाइज वहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आया तो नाइकी ही लास्ट ऑप्शन है। ऐसे एडिडास का भी देख सकता था पर नाइकी बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है यहाँ पे यार। इतना ही चल रहा हूँ ना तब से, और पिछले तो 15-20 घंटे हो गए सोया नहीं है, दोनों ही सोए नहीं है। पापा तो पता नहीं कैसे कर रहे हैं उनकी एज में, तो मेरी ही जान निकल चुकी है। एक जूता देखना है क्योंकि मेरा साइज़ मिलता नहीं है इंडिया में, एक तो एक ये बड़ी दिक्कत है, और एक गलती से अगर साइज़ आ भी जाता है तो काफ़ी कम होता है वहाँ पे। यहाँ पे फुट लॉकर 2 है शायद। एक तो मेरे को ये दिखा, ये थोड़ा प्रीमियम लग रहा है, कलेक्शन थोड़े अच्छे होंगे इसके पास। काश कुछ ऑफ़र हो जाए यार, जूते अच्छे मिल जाए, वो ऑफ़र तो है। और एक होना चाहिए यहाँ पर मेरा हमेशा यही पोपट हो जाता है। इनके पास एक जूता सही लगा था बट उनके पास साइज़ एज यूजुअल है नहीं। चलो कोई बात नहीं। दोस्तों ये ही है पोर्शे, ये नहीं है। ओह ये कोई रेस्टोरेंट है। अच्छा हाँ ये तो है बुर्ज खलीफा। मैं आ रहा हूँ तो अभी सारा कुछ हो गया है। अब मॉल से बस निकल रहे हैं मेट्रो की तरफ। जूता हुआ नहीं क्योंकि साइज़ सूटेबल नहीं था जो भी था बाकी, लेकिन छोटा मोटा शॉपिंग हो गया है आज। और अभी फिर से जा रहे हैं अबू धाबी फ्लाइट के लिए। लोग अभी बस पकड़ कर आ गए हैं फिर से एयरपोर्ट और फिर से डिपार्चर की तरफ जाते हुए 9:30 को है और 9:30 पहुँच जाएंगे कि टाइम डिफरेंस। तो कल से मैच शुरू हो जाएगा। कल से मैच शुरू और बिल्कुल नींद नहीं है इसलिए महसूस होता है। सोन बहुत वेरी वेरी स्लीपी और जैसे हम पहुँचेंगे वहाँ पे हाँ तुरंत सो जाना है। सो जाने के बाद फ्रेश हो जाएंगे क्यों? हाँ हाँ उसके बाद तो अच्छा ही लगेगा। One eternity later. जस्ट रीच्ड दोहा और यहाँ से फ्री बसेस है फीफा वर्ल्ड कप के लिए। फ्री बसेस टू योर होटल योर स्टे एंड अभी चेक इन बैगेज लेके हम निकल जाएंगे। तो फटाफट निकलते हैं और वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं गाइस। काफ़ी थक गया हूँ और See you, bye bye, take care and do subscribe my channel। और कल से मैचेस शुरू हो जाएंगे जो मैं देखूँगा। होटल पहुँच गए, सॉरी होटल तो पहुँचे नहीं, नींद के मारे कुछ भी बोल रहा हूँ। अभी बस के लिए वेट कर रहे हैं, वहाँ पे बस सारी लगी हुई है।